नमस्कार। 30 दिसंबर 2019 का दैनिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां हमारे सामने रख रहा है, इसकी चर्चा हम यहां राशि वार क्रम के साथ में करते चले जाएंगे। 30 दिसंबर, 2 दिन बाद ही ये वर्ष समापन की ओर अग्रसर हो रहा है, अवसान की ओर अग्रसर है और 2020 अपनी नई चमक और दमक के साथ हम सभी के समक्ष उपस्थित है। ये तारीखें कई बार इस बात की गवाह होती है कि जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत सुनिश्चित है और नई शुरुआत होना भी निश्चित तौर के ऊपर सामने दिखाई देता ही है। जो भी नाउम्मीद के दौर इस वर्ष के अंदर रहे, ग्रही व्यवस्था के माध्यम से जो भी संघर्ष जीवन के अंदर आए, अब उन सबको पीछे छोड़ने का समय है। ये समय है नई उम्मीद का, ये समय है नए जोश का। हम या कोई और व्यक्ति किसी के भीतर क्या चेतना जागृत कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर से पूर्ण रूपेण चेतन है। कई बार आप ये समझते हैं कि बस हम यही कार्य यहां तक कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य इतना ही है, किंतु कोई आता है, आपको कहता है, प्रेशराइज करता है या फिर आप खुद प्रेशर लेते हैं, उस कार्य को पूर्ण कर जाते हैं और 21 स्थितियों के साथ में पूर्ण करते हैं, जितना अच्छे से हो सकता था उससे भी बेटर लेवल की तरफ जाते हैं। क्या है सामर्थ्य? व्यक्ति के भीतर से ही आता है सामर्थ्य, व्यक्ति के भीतर से ही आती है ऊर्जा। एक लॉ है जिसको इंटैक्ट रखने की, जिसको अक्षुण रखने की आवश्यकता होती है। तो जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हों, कुछ समय एकांत में बिताएं, क्या हासिल किया और क्या गंवाया, किस तरह से हासिल किया और किस तरह से गंवाने की प्रक्रियाएं सामने आई, कहां पर गलतियां हुई तो कहां पर हमें विजय प्राप्त हुई, प्रत्येक मोड़ के ऊपर आप पीछे पलट कर देखिएगा जरूर, पीछे मुड़कर देखिएगा जरूर, वो सारे ही अनुभव अवचेतन में इकट्ठा करके आगे बढ़ने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी। तो वहीं पर शुरुआत हम भी करते हैं पंचांगी व्यवस्था के साथ में। पौष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, नए सप्ताह की शुरुआत है, वर्ष का अंतिम सप्ताह एक तरह से सामने रहेगा। तो वहीं धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है, सूर्यदेव 13 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में धनु राशि में ही गतिमान है। चंद्रमा सुबह 9:34 के बाद से मकर से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां बृहस्पति चंद्रमा का, शनिदेव चंद्रमा का, बुध और चंद्रमा का, केतु और चंद्रमा का 3:11 का संबंध बना रहेगा। ये एक विशेष स्थिति यहां पर दिखाई देती है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो भी धन लाभ की स्थितियां आपके लिए अटकी हुई थी, कामकाज हम करते चले जा रहे थे, किंतु जहां पर हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच आनी चाहिए थी, जहां से हम आगे बढ़कर जिंदगी को एक नए मोड़ के साथ में लेकर चल सकते थे, वो कमी पेशी आज दूर होती हुई बेहद आसानी के साथ में देखी जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए आज तेजी बनी रहेगी। जो भी डिसीजन आप लेंगे और जो भी खुद की गट फील के साथ में आप डिसीजन लेने वाले होंगे, उसमें खुद को आगे बढ़ा हुआ नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता हुआ पाएंगे ही पाएंगे, ये एक अटमोस्ट क्लैरिटी है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अभी तक भले ही रविवार था या शनिवार की स्थितियां थी, संघर्ष बने हुए थे, मेंटल प्रेशर बार बार परेशान कर रहा था, उससे आज आप आजाद होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। कामकाज की प्रतिष्ठा और उसके साथ में मिलने वाला प्रोत्साहन, वो दोनों ही सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। संतान पक्ष के साथ में कहीं भी कोई विचलित करने वाली या परेशान होने वाली स्थितियां नहीं है, सामर्थ्य बेहद अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ा रहा है यहां पे। तो वहीं किसी भी नई एजुकेशन की शुरुआत आप करना चाहते हैं, यानी कि आपने नौकरी पेशा स्थितियां शुरू कर दी, सर्विस में है, किंतु अभी भी एक चाहना मन में बाकी है, एक उजास मन में बाकी है कि हम एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करने के हिसाब से ये दिन आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। उस शुरुआत की ओर खुद को लेकर बढ़ते चले जाना चाहिए आपको, एक काम तो ये है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े रहते हैं, भले ही बिजनेस हो या फिर सर्विस की पोजीशन, उन दोनों ही क्षेत्र विशेष के अंदर आपके लिए आज का ये दिन
नई स्थितियों को उपस्थित करने वाला रहेगा। एजुकेशन के साथ में चलते हुए जातकों के लिए ये दिन एडवांसमेंट की ओर देखा जा रहा है। लर्निंग के साथ में जो एनवायरमेंट एक्सपीरियंस देता है वो बहुत मैटर करता है। वो स्थिति आज आपके लिए है। कम्युनिकेशन के ऊपर नियंत्रण रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। शब्दों का नपा तुला अंदाज आपके साथ में आज वैसे ही उपस्थित रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में खुशनुमा पल आप बिताने वाले हो सकते हैं और जो बजटरी कैलकुलेशन करके चलते हैं वहां पर अगर कुछ भी रिलीफ है तो घर परिवार के साथ में कुछ मोमेंट्स को हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करने की तरफ जाना ही चाहिए, ये आप अपने भीतर मानकर चलिएगा। वृषभ राशि की मैं यहां चर्चा करूं तो आजीविका के स्थान में दशम स्थान के साथ में चंद्रमा का जुड़ाव है, तो यहां जो मन के भीतर से एक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, मन में एक चंचलता बनी रहनी चाहिए जो काम काज के लिए कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो आपके साथ में उपस्थित रहेगी। तो वहीं भूमि स्थान के साथ में काम करते हुए आप फायदा उठाने वाले रहेंगे, यानी कि जो आपके नेटिव प्लेस है वहीं से आपने कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रखी है, वहीं से आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, ऐसा ही कोई कामकाज वहां से चल रहा है और आप उसका एक तरह से सप्लाई की पोजिशन को संभालने वाले होते हैं, तो उस स्तर के ऊपर भूमि संबंधित स्थितियां जो कि नेटिव के साथ में जुड़ी होती है फायदा मिलने की उम्मीद कही जा सकती है। अगर आपका जुड़ाव सर्विस इंडस्ट्री के साथ में है तो वो सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर जो बाधाएं आ रही थी, जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रखे थे, उनसे दूर हटके आज आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में खुद को रखने से बचिएगा जो आपको कई बार डिमोटिवेट करते हैं, आपको हर स्तर के ऊपर रोकने की तरफ जाते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के साथ में बढ़ने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा, उसमें ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति आपके लिए स्थापित यहां पर रहने वाली हो सकती है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए सप्ताह की शुरुआत एक फ्लैम बॉयंट अप्रोच के साथ में चमक दमक के साथ में हो रही है। जिस भी क्षेत्र विशेष में व्यापार में है तो आपको कोई एक तरह से प्रतिष्ठा मिल सकती है, आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी संस्था की अध्यक्षता आदि मिलने की संभावना हो सकती है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर है तो वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने वाली पोजिशन मिलने की स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में चलना रहेगा। पिता के साथ में जो भी दुराव बन रखे थे उसके सॉल्यूशन की ओर जाने के हिसाब से भी इस दिन को आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी हानिप्रद पोजीशन नहीं है, किंतु जो भी महानुभाव हार्ट संबंधी स्थितियों से बहुत पहले से ग्रसित रहे हैं और टालते चले जा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है किंतु फिर भी कोई पोजीशन को डायग्नोस करवा के मन को एक शांतिप्रद स्थिति अगर आप देना चाहते हैं तब भी इस दिन को बेहतर कहा जा सकता है आपके लिए। मिथुन राशि की मैं यहां अगर चर्चा करता हूं तो भाग्य का सपोर्ट है, कर्म की स्थितियां प्रधानक रूप में मौजूद है आपके लिए। 3-11 का जो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है व्यापार और भाग्य को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। किसी टेंडर संबंधी गतिविधि की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं कि जहां पे लक फैक्टर और उसका मूड फैक्टर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा, उस क्षेत्र विशेष के अंदर आपके लिए फायदा देखा जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने रेड आउट किया है, जो कैलकुलेशन आपके सामने है, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाइएगा। मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज को आपने आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है तो ये दिन एक नेक्स्ट लेवल की जो क्लिकिंग अप्रोच होती है उस तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम यानी कि जो व्यक्ति की ऊर्जा होती है और जिस रेगुलेशन के साथ में और जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलता है, आज वो भी आपके साथ पुरजोर तरीके से बनी रहने वाली रहेगी। ससुराल पक्ष से जो चिंताएं सता रही थी या हमारे गृहस्थ के अंदर जो बाधाएं क्रिएट की जा रही थी उससे भी दूर हटने का और 1-to-1 जो कम्युनिकेशन करके क्लैरिटी गृहस्थ जीवन के अंदर आनी चाहिए, जहां किसी और का हस्तक्षेप नहीं रहे, हम स्वयं साथ में बैठ और चर्चा करें कि समस्याएं कहां पर है। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई भी ऐसी षड्यंत्रकारी स्थिति को प्लान आउट करके जीवन में रख रहा है उसको साइडलाइन करें, आप अपने कम्युनिकेशन को सार्थक हद के ऊपर प्रिसाइज अप्रोच के साथ में लेकर चलते चले जाएं तो बेहतरी आपके लिए यहां बनी रहेगी। विदेश संबंधी कोई भी काम का जुड़ा हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर कोई भी काम का जुड़ा हुआ है तो वहां काम के प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी, जहां दूसरे
लोग अगले वर्ष के ऊपर सारी ही स्थितियों को टाल चुके हों, आप अपनी ऊर्जा को आज पर फोकस करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं पर विजय श्री आपके लिए नई स्थितियों को वर्णित करती हुई देखी जा सकती है। कहीं भी कोई दुराव या कहीं भी कोई गफलत वाली स्थिति नहीं है, प्रिसाइज क्लैरिटी मौजूद है। कर्क राशि, यहां अष्टम के साथ में चंद्रमा का जुड़ाव है। हिडन प्रॉब्लम्स जो निकल कर आ सकती थी उसके ऊपर नियंत्रण थोड़ा सा मुश्किल से लगता हुआ देखा जा रहा है, यानी कि हिडन प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने मौजूद है। मान लीजिए आप मशीनरी संबंधी उद्योग के साथ में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ में काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी हिडन प्रॉब्लम आई जिसका अंदेशा प्रत्यक्ष तौर के ऊपर हमको नहीं था, इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ में ऐसे हर्डल्स ने परेशान करने का कार्य किया, तो वहां हमको संभलने की जरूरत रहती है। अपनी मशीन है उसको प्रॉपर बेसिस के ऊपर हम चेक करवा के चलें, या फिर कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर लेबर प्रॉब्लम कर सकती है तो उसको भी हमें चेक करना चाहिए, फिर ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के बारे में हमको सोचना चाहिए। ये जरूर आपको यहां पर क्लैरिटी रखने की जरूरत रहेगी। कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनको चेंजेस से यहां पर बचने की दरकार कही जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, लॉजिस्टिक्स के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में कोई भी कार्य विषय क्षेत्र जुड़ा हुआ है, निर्णय को आज थोड़ा सा होल्ड करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए कही जा सकती है यहां पर। तो कर्क राशि को ये एक तरह से सुझाव रहेगा कि आप नएपन से बचें। आज कुटुंबीजनों के साथ में तकरार हितकर नहीं रहेगी, वहां से भी नेगेटिव अप्रोच को नहीं क्रिएट करना चाहिए। कई बार हमारी जो रिएक्टिव अप्रोच होती है रिश्तों को बिगाड़ने का कार्य करती है, प्रिसाइज अप्रोच के अंदर खुद की सोच और समझ को साथ में विकसित करके चलना चाहिए। सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम व्यापार के अंदर जो शिथिलता आपके लिए बनी हुई थी, ये वर्ष भी अपने अंतिम प्रवास की ओर अग्रसर है, किंतु ऊर्जा के नए द्योतक के रूप में जाने वाला रहेगा। नए वर्ष के लिए जो ऊर्जा की संगठित स्थितियां आपके लिए रहनी चाहिए वो बनी रहेगी, और इस वर्ष की शुरुआत में एक नई विशेषता है। देखिए, आप देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे, मंगल स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो वहीं पे स्वराशि अभिलाषी रहेंगे, मकर की ओर बढ़ते हुए रहेंगे, धनु में विराजित रहने वाले ग्रह शनिदेव, तो ये पोजीशन एक नई ऊर्जा को प्रस्फुटित करती हुई देखी जा सकती है। विश्वास में कमी नहीं है, आत्मविश्वास में कमी नहीं है, ऊर्जा में कमी नहीं है, कर्मशीलता साथ में है, बस आपको सही ड्राइविंग फोर्स के साथ में यहां पर चलने की आवश्यकता है। व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर जिस परिवर्तन की उजास को हम मन में लेकर चल रहे थे, वही परिवर्तन की उजास मन के भीतर गहरे से बैठी हुई है, तो आप अपनी रफ्तार को एक नया प्रयास दीजिए और पाएंगे कि जो रुके हुए काम थे, जो अटके हुए काम थे, जो हमारी सोच के साथ में भटके हुए काम थे, जिस रास्ते की तरफ हम अग्रसर हो रहे थे किंतु कोई ना कोई स्थिति पीछे खींच रही थी, वो भले ही प्रकृति जनित व्यवस्था हो या प्रकृति के साथ में जुड़कर कोई और व्यक्ति की माध्यम से बनने वाली स्थितियां हो, उन सभी के अंदर एक साइडलाइन अप्रोच देखी जा सकती है, तो आप अपने काम में विजय की ओर बढ़ते चले जाएं। ना कोई संशय है और ना ही कोई बाधा की स्थितियां है, गृहस्थ जीवन का भी सपोर्ट रहेगा। कई बार व्यक्ति जब अपने कामकाज में इन्वॉल्व होता है तो उसे गृहस्थ से भी एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, देरी से आ रहे हैं तो उसका कारण जानने की बजाय ये कहा जाता है कि आप अपने कामकाज में इतने मशगूल हैं, हम भी इतने सपोर्ट में आपके साथ में खड़े हैं, तो वहां व्यक्ति पुरजोर तरीके से चलता है। जिसने घर के साथ में सामर्थ्य सपोर्ट और क्षमता की स्थितियों को प्राप्त कर लिया वो बाहर जाकर परफॉर्म करने वाला होता ही है, ये सर्वथा सत्य है, इसीलिए कुंडली मिलान इतना महत्वपूर्ण रहता है। तो सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर फाइनेंशियल लेवल पे बेहतरी आपके लिए बनती हुई देखी जा सकती है। कन्या राशि, यहां रोग संबंधी स्थितियों से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं आपके लिए, पुराना रोग फिर से निकल कर आ सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है, संभल कर रहिएगा। ऋण देने और लेने से बचना चाहिए, लेने से इसलिए बचना चाहिए कि उसकी कैलकुलेशन के अंदर हम कहीं उलझे नहीं, और देने से इसलिए बचना चाहिए कि एक बार व्यक्ति की क्लैरिटी को एक से दो दिन पहले जाना जाए और उसके बाद में उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा जाए, या फिर ऐसी अप्रोच के अंदर चला जाए जहां खुद हम जितनी सहायता करने वाले हों उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके चलते चले जाए, तो थोड़ी सी बेटरमेंट की अप्रोच यहां पर बनी रहेगी। अज्ञात भय का सामना करके आप उसका सॉल्यूशन लेकर
लेकर आते हुए रहेंगे। अनिद्रा संबंधी रोग परेशान नहीं करे, इसलिए फिजिकल फटीग की, शारीरिक थकान की आवश्यकता बहुत है। आप किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ में खुद को जोड़ने के लिए अग्रसर होने का कार्य यहां पर कर सकते हैं। ये भी स्मृतियों में अक्षुण करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। एक बात तो यह है, तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर गृहस्थ जीवन से कोई भी तल्खियां पनपकर हमको परेशान करने वाली नहीं हो, ये थोड़ा सा आपको विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी ही रहेंगी। एक बात तो ये, कला के क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, कोई हुनर आपके लिए रोजगार का साधन बना हुआ है, तो उसकी पूरी इज्जत कीजिएगा। कई बार लोग ऐसे समय अंतराल के अंदर कहते हैं कि हमने गलत रास्ता चुन लिया, कला का कोई वैल्यूएशन नहीं है। नहीं, फाइनेंशियल प्रोग्रेस अलग है, कला की प्रोग्रेस अलग है। जो आपने अपने लिए रास्ता इख्तियार किया है वो बेहतरी की तरफ ही लेकर जाने वाला आपको रहेगा। संतान पक्ष की ओर से स्थितियां सुदृढ़ है, रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, तो वहां पर किसी भी तरीके की शंका या संशय की स्थितियां परेशान नहीं करे, वहां पर जरूर आपको काम करके आगे बढ़ना चाहिए। तुला राशि की मैं अगर यहां पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम सामर्थ्य के अंदर बढ़ोतरी है, क्षमताओं के अंदर बढ़ोतरी है, और रिश्तों को समझने की जो बुनियादी पोजिशंस होती है वहां पर आप खुद के लिए एक नई नजर पाने वाले रहेंगे। ये दिन आपके लिए पुराने संबंधों के साथ में आगे बढ़कर नई पोजीशन को क्रिएट करता हुआ देखा जा सकता है। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बढ़ोतरी, भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बेहतर लेवल पे पोजीशंस, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां पर पूरा ही खेल मध्यस्थ स्थितियों के साथ में रहता है, वो सारी ही पोजीशंस आपके लिए बेटरमेंट को क्रिएट करने वाली देखी जा सकती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका व्यापार चल रहा है, और लोगों की सोच और समझ के साथ में उनकी एक तरह से पोजीशंस के साथ में आपका कामकाज चल रहा है, तो वहां पर भी बेहतरी की उम्मीद कही जा सकती है। अपने कामकाज को थोड़ा सा ज्यादा समय देने की ओर आपको जाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहीं आसपास के लोगों को पूर्णतया मोटिवेट करके चलने का प्रयास भी आप करते चले जाइएगा। शिक्षा के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो जॉब की ऑफर अब गाहे बगाहे आपका इंतजार कर रही है। एजुकेशन के थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं, एग्जीक्यूशन के फेज के ऊपर हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आगे एजुकेशन की तरफ जाएं या जो जॉब की पोजीशन सामने आ रही है उस तरफ जाएं। अपनी पोजीशन को जन्म कुंडली के अनुसार जांचें, परखें, और परखने के बाद में उस निर्णय को लेने की ओर जाएं। परिस्थितियां कह रही है कि अभी नौकरी की ओर चले जाना चाहिए, और स्थितियां ये बता रही है कि अभी और पढ़ना चाहिए, पढ़ के हम अगर आगे जाएंगे तो सरकमस्टांसेस के ऊपर विजय प्राप्त करके खुद को नए लेवल और एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाने वाले होंगे। तो शुक्र प्रदान राशि के महानुभावों को ये स्वयं के साथ में बैठकर निर्णय लेने की, एकांत में खुद के साथ में चर्चा करने की आवश्यकता रहेगी, ये जरूर ध्यान रखकर चलते चले जाइएगा आप। वृश्चिक राशि की यहां पर अगर मैं चर्चाओं की शुरुआत करता हूं, तो आपके लिए जो पराक्रम की पोजीशन बनी हुई थी, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से आप बचते चले जाइएगा। पहले स्तर के ऊपर बात ये, हृदय स्थान में चंद्रमा का विराजित होना जब भी होता है, नए कामकाज की शुरुआत से हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म में व्यक्ति व्यवस्थित नहीं रह पाता, डिसिप्लिन की अप्रोच नहीं आ पाती, भाग दौड़ तो बहुत करता है किंतु सुबह से शाम तक का अगर आकलन करे तो ये मालूम चलता है कि घंटे से डेढ़ घंटे के अलावा सारा ही जो समय गया वो व्यर्थ गया। तो प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी, पेपर में अपनी सारी ही प्लानिंग्स को नोटिफाई करके चलने का प्रयास आपको यहां पर करना चाहिए। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जब ऐसी पोजीशन सामने चल रही हो चंद्रमा की, तो एक बात गौर करके ध्यान रखनी चाहिए, हम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लें जिसका प्रभाव अगले लंबे समय तक रहने वाला हो। महत्वपूर्ण निर्णय को टालकर रखने की कोशिश आप कीजिएगा। सर्विस के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, शासन प्रशासन, सरकारी तंत्र के साथ में, प्राइवेट तंत्र के साथ में, किसी भी तरीके से हम अपने जो कलीग्स हैं या सुपीरियर बॉसेस हैं उनके साथ में किसी भी तल्खी के साथ में पेश नहीं आए या अपनी फ्रस्ट्रेशन को उजागर करने वाले नहीं रहें, उससे आप बचें। अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो सिचुएशंस को अवर्ट करने की तरफ जरूर जाना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा आप। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, किंतु उनके साथ में बैठकर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की और वर्कआउट हमको जरूर करना चाहिए। प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के साथ में और वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में जो भी महानुभाव चल रहे हैं,
यह दिन आपके लिए कई नई पोजीशंस को एड ऑन करता हुआ देखा जा सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपको यहां पर रहेंगी। धनु राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम जो पराक्रम की स्थितियां हैं आपके लिए और जो एक तरह से भाग्य प्रदायक स्थितियां हैं वो दोनों ही बेटर लेवल के ऊपर आपको सपोर्ट करती हुई देखी जा सकती है। भाइयों के साथ में कोई भी व्यापार को आप और नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, जहां पर कोई न कोई हमारे लिए बार बार दुराव परेशान करने वाले थे, छोटी छोटी पोजिशन हमारे लिए नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाली थी, उससे बाहर निकलकर हम आगे बढ़ने वाले रहेंगे। एक बात तो ये, पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो रोटेशन चलना चाहिए उसमें भी वृद्धि की संभावित स्थितियां हमारे लिए देखी जा सकती हैं, किंतु इस वर्ष के अंत के अंदर अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। एस्पायर टू अचीव एंड इंस्पायर टू बिलीव, वो पोजिशन साथ में लेकर चलिएगा तो वहीं पर बेनिफिट निकलकर आते हुए देखे जाएंगे। आपके लिए इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, किंतु क्लैशेस के साथ में चलकर खुद का नुकसान करने की स्थितियां बनी हुई है, ये भी हमको नोटिफाई करके चलना चाहिए। यहां पर संतान पक्ष को व्यापार में या अपने कामकाज के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसकी रूपरेखा बनाना, धीरे धीरे उनसे चर्चा करके उस तरफ बढ़ाने की सबकॉन्शियस अप्रोच में शुरुआत कर देना, ये दिन वहां पर भी सामर्थ्य की स्थितियों को लेकर आता हुआ प्रतीत हो रहा है आपके लिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। अब चर्चा मकर राशि की। आपके लिए धन लाभ की गुंजाइश बहुत बेहतर तरीके से यहां पर बनी हुई है। ये वर्ष की जो अंतिम उजास है और अंतिम दिवस जो चल रहे हैं, पेन्यूल्टीमेट अप्रोच के अंदर आज आप चल रहे हैं, तो यहां पर धन लाभ और वो भी आकस्मिक स्तर के ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है तो वहीं दूसरे लेवल के ऊपर जो हिडन प्रॉब्लम्स कई बार परेशान करने वाली होती है उस पर भी नियंत्रण स्थापित रहेगा। कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी दिखाई नहीं दे रही है उस क्षेत्र विशेष के साथ में। वहीं थोड़ा सा और डीपर सेंसेस के अंदर बात की जाए तो आप देखिए कि जो गृहस्थ जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से दिक्कत और परेशानियां बनी हुई थी उसका भी सॉल्यूशन मिलता हुआ आप देखा जा सकता है। कुछ गलतियों को माफ करना और कुछ गलतियों को स्वीकार करना रिश्तों को बचाने के अंदर महत्वपूर्ण साध्य मात्र होता है, ये आप ध्यान रखकर चलिएगा। मकर राशि के महानुभावों के लिए जो पोजीशन यहां पर चंद्रमा की बनी हुई है वो उसी बेटरमेंट की ओर इशारा कर रही है, ये स्मृतियों में अक्षुण रख के चलना चाहिए हमको। तो एक और महत्वपूर्ण बात की मैं यहां पर चर्चा करूं, जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर लगातार भ्रमण की पोजीशंस के साथ में अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, दिन बेहतरीन कहा जा सकता है, नई पोजीशंस को रिक्रिएट करने वाला कहा जा सकता है। कुंभ राशि, स्वराशि में चंद्रमा सुबह 9:34 के बाद से आ चुके होंगे तो ये समय निर्णायक है आपके लिए। किसी भी कामकाज को एड ऑन करना चाहते हैं, व्यापार के अंदर रुपया पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं, रिश्तेदार जो तकलीफ के अंदर था उसको जोड़कर आप सामर्थ्य उनको देना चाहते हैं, जा सकते हैं। कामकाज में एक्सपांशन यहां पर आपके लिए सुधार के संकेत देता हुआ प्रतीत होगा, किंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। स्थिरता मत रखिएगा सोच के अंदर, कहीं भी हमको बहुत ज्यादा स्थिर होकर चलने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मार्केट किसी पोजीशन को स्वीकार कर चुका हो और हम उसके बाद में जाएं, उसको छोड़िए। आप भी उतना ही अपडेट होकर रफ्तार के साथ में कदम बढ़ाने वाले रहें, जैसे बुध प्रधान राशि के महानुभाव रहते हैं तो वहां आपके लिए थोड़ी सी एक बेटरमेंट वाली अप्रोच कही जा सकती है। गृहस्थ जीवन का सपोर्ट रहेगा, संतान पक्ष की ओर से स्थितियां बेहद अच्छी हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना है तो लॉन्गर टर्म के साथ में करने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं पर भाग्य का सपोर्ट है और भाग्य के सपोर्ट के साथ में भली नौकरी हो, व्यापार हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें कहीं भी आपको आगे बढ़ना है या फिर किसी रिश्ते को डेवलप किया है और उसे घर परिवार के सामने रखना है, वहां पर भी भाग्य की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहती है। ये टाइम पॉजिटिव सोर्सेस को क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव पोजिशंस को क्रिएट करता हुआ सामने आ रहा है। मीन राशि,
यहां सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण संभव नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जो फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने वाले रहें, उनसे थोड़ा सा बचने की दरकार हमको यहां पर रहेगी। विदेश में भ्रमण की प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं और अगले सप्ताह या दो सप्ताह के अंदर ऐसे कोई भी पोजिशन की तरफ निकलना चाहते हैं, ये दिन सुदृढ़ बना हुआ है। शिक्षा के साथ में जो भी मानुभाव चल रहे हैं, अज्ञात भय, कल की स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर जो शंकाएं सताने वाली होती है वो परेशान कर सकती हैं। व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से बचना चाहिए। कमिटमेंट करें तो वो हमारे यथार्थ की स्थितियों के साथ में जुड़ा रहे, ये एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए रहेगी। अज्ञात भय की जो स्थितियां कई बार हमें परेशान करने वाली होती है, उससे भी धीरे धीरे हम बाहर निकलकर आगे बढ़ने की ओर जाते हुए खुद को देख पाएंगे, किंतु उसके लिए एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी ही रहेगी। तो ये था 30 दिसंबर 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।